अल्लाह ताला बरकातु। आप तमामी हजरात को एक वजाहत करना चाहता हूँ, वो ये कि अभी आप तमामी हजरात ने सोशल मीडिया पर एक मेरी वीडियो जो कि सरासर फर्जी है, सरासर नकली वीडियो है, सरासर फेक वीडियो है, जो कि आप तमामी हजरात सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे और जो गर्दिश कर रही है और शेयर की जा रही है। मैं ख़ास कर उन तमामी हजरात से गुजारिश ये करना चाहता हूँ, ये पहली चीज़ तो एक फेक वीडियो है, दूसरी चीज़ मेरा अकीदा क्या है वो मैं आप तमामी हजरात को वाज़े तौर पे बताना चाहता हूँ। मुआविया वो शख्स है जो अली मुर्तज़ा का दुश्मन है, और अली मुर्तज़ा का जो दुश्मन है वो हर मुसलमान का दुश्मन है, और मुआविया को लानती मानना हर शख्स का, हर मोमिन का अकीदा है। और जो शख्स मुआविया को लानती नहीं मानता है, जो शख्स मुआविया को दुश्मन अहले बैत नहीं मानता है, वो शख्स गुमराह है, बदमज़हब है, बददीन है। वो शख्स का, उस शख्स का इस्लाम से खासकर तो कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़ मैं वजाहत ये करना चाहता हूँ कि अभी आप तमामी हजरात को ये चीज़ मालूम होगी कि हिंदुस्तान में डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। उनकी आमद की वजह से कुछ लोगों में काफ़ी ज़्यादा इंफिशार फैला हुआ है, जिसकी वजह से इस वीडियो को फेक बनाकर, डबिंग करके, लोगों की लिप सिंकिंग करके इसको फर्जी तौर पर लोगों के सामने जारी किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि ये वीडियो हसनैन बकाई की है। हसनैन बकाई की वीडियो अगर सच्चाई के साथ अगर कोई देखना चाहता है वो YouTube पर जाकर हसनैन बकाई की मजलिसों को सर्च कर ले, तकरीरों को सर्च कर ले। मैं वो हसनैन बकाई हूँ जिसने अहले सुन्नत के दरमियान बैठकर इस मुआविया की एक एक करतूतों को बयान किया है। इस मुआविया की करतूतें बयान करने के लिए मुझ पर हज़ारों फतवे लगे हैं, हज़ारों बार हमला हुआ है। क्या उस मुआविया की हिमायत मैं कर सकता हूँ? मुआविया की हिमायत वही कर सकता है जिसकी नस्ल में कोई खोट होता है। मुआविया की हिमायत वही कर सकता है जिसके खून में कोई खराबी हो सकती है। मुआविया का हसनैन बकाई से ना तो कोई कभी लेना देना था और ना ही लेना देना है, ना ही आने वाले वक्त में कभी कोई लेना देना होगा, क्योंकि इस्लाम के दुश्मन का नाम मुआविया है और हसनैन बकाई अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर के गदा का नाम है।